ओके दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में सेकेंड ओडीआई मैच खेले जाने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। फर्स्ट ओडीआई मैच की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बैटिंग किया था, 231 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, और ऑस्ट्रेलिया टीम ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे उस रन को चेस कर दिया था। सबसे पहले यहां पर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का पिच रिपोर्ट क्या कहता है, मतलब यहां का पिच कैसा बिहेव करने वाला है। आप लोगों ने ज्यादा बैट्समैन को रखना है, बॉलर को रखना है, बॉलिंग सेक्शन पे भी फोकस कैसे करना है, पेसर को करना है या स्पिनर को करना है। तो यहां पर खेले गए रीसेंट मैचेस के अगर रिकॉर्ड को आप लोग देखोगे तो इस वेन्यू पे अच्छे खासे रन बनते हैं। आप लोग देख लो, यहां पर रिकॉर्ड को ही देख लो, अगर आप लोग देखोगे 2020 पे यहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 374 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, और टीम इंडिया भी 300 क्रॉस कर गई, मैच नहीं जीत पाई लेकिन 300 रन टीम इंडिया ने भी क्रॉस करा। फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट में 5 विकेट पेसर को था, 1 विकेट स्पिनर को था, सेकंड इनिंग्स पे 4 विकेट पेसर और 4 विकेट स्पिन को थे। सेकंड मैच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो इसी वेन्यू पे खेला गया था वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो सीरीज का दूसरा मैच रहा होगा, उसमें भी देखो ऑस्ट्रेलिया ने 389 बना दिए और इंडिया 338 तक दोबारा पहुंच पाई। हुआ क्या, इस मैच में भी वही रहा बिल्कुल सेम। फर्स्ट इनिंग्स में पेसर का दबदबा रहा, सेकंड इनिंग्स में भी पेसर का दबदबा रहा, लेकिन स्पिनर ने कुछ विकेट्स निकाले। अब जब ये दोनों टीम खेल रही थी ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम, तो ये दोनों टीम आप लोगों की कैसी टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच हुआ था दोस्तों 2022 को, यहां पर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 280 रन बनाए लेकिन इंग्लैंड की टीम यहां पर कोलैप्स्ड हुई। विकेट की बात करूं तो पेसर को ही ज्यादा एडवांटेज लग रहा है दोस्तों इस पिच पे, और पेसर ही डोमिनेट करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर यहां पर बैटिंग करने आ जाती है सपोज करो, तो आप मान के चलो कि यहां पर 350 प्लस रन बन जाएंगे। वेस्ट इंडीज की टीम अगर यहां पर बैटिंग करने आती है तो यहां पर आप लोगों को 220 से लेकर 250 के बीच में ही रन बनते हुए दिखेंगे, तो इस बात को ध्यान रखते हैं आप लोगों ने टीम बनाते वक्त, क्लियर। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप सभी लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा। मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल टीम बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। प्लेइंग 11 पे भी एक चेंजेस है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से ट्रेविस हेड इस मैच को नहीं खेलने वाले, उन्हें कौन रिप्लेस करेगा और प्लेइंग 11 पे कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे अब खेलेगा उस बात को देख लो। यहां पर जोश इंग्लिश और मैथ्यू शॉट आप लोगों को ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि लास्ट मैच में मैथ्यू शॉट नीचे खेले थे। उसके बाद आप लोगों को कैमरून ग्रीन दिखेंगे, फिर स्टीवन स्मिथ दिखते हैं, फिर मानस लघुशने दिखेंगे, और यहां पर आप लोगों को जैक फ्रेशर मैगर खेलते हुए दिखेंगे ट्रेविस हेड के बदले। बिग बैश में अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। उसके बाद आप लोगों को एरन हार्डी दिखेंगे, बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे सीन अबर्ट, जेवियर बार्टलेट, लेंस मॉरिस और एडम जैम्पा आप लोगों को दिखेंगे। वेस्ट इंडीज शायद सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी जो लास्ट मैच में गई थी, एलिक एथेनाजी और जस्टिन ग्रीव्स आप लोगों को ओपन करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे केसी कार्ती आते हैं, फिर साई होप आते हैं, फिर आप लोगों को केवम हॉज खेलते हुए दिखेंगे, उसके बाद रस्टन चेज आते हैं, फिर हेडन वॉल्श खेलते हुए दिखेंगे, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से रोमारियो शेपर्ड खेलने आते हैं, रोमारियो शेपर्ड हेडन वॉल्श के ऊपर भी खेलने आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को मैथ्यू फोर्ड दिखेंगे, गुदागेश मोती दिखते हैं और ओशन थॉमस आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। ये दोनों टीमों की कल के मैच की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रह सकती है। अब फटाफट से सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कौन से प्लेयर अभी फॉर्म पर चल रहे हैं, किन प्लेयर का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है और कौन से प्लेयर को आप लोगों ने अपने टीम पर पिक करना है। ओके, बात करूं दोस्तों यहां पर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आप लोगों को जोश इंग्लिश दिखते हैं, लास्ट मैच पे 65 रन की पारी खेली थी, ओपनिंग करने आएंगे तो दोनों कंडीशन पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेस्ट इंडीज के टीम के अगर मैं बात करूं, वेस्ट इंडीज की लाइनअप आप लोगों ने देखा होगा, सारे प्लेयर आप लोगों को नए प्लेयर दिख रहे होंगे,
तो यहां पर आप लोगों को साई होप एक एक्सपीरियंस प्लेयर दिखेंगे, 122 मैच खेलने का एक्सपीरियंस है, 50 के एवरेज से खेलते हैं, रीसेंट भी लास्ट के 5 मैच में 2 मैच में अच्छा परफॉर्म कर कर आ रहे हैं, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, हेड टू हेड देखो तो 4 मैच में 33 का एवरेज है, हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, बट प्लेयर को आप लोग कंसीडर कर सकते हो, क्लियर। 2-4 कैचेस भी मिल गए तो उससे एक एडेड एडवांटेज रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो जोश इंग्लिश भी अच्छे प्लेयर रहेंगे और साई होप भी अच्छे प्लेयर रहेंगे, आप लोगों को इन दोनों प्लेयर को अपने टीम पर लेकर चलना चाहिए। अब आ जाओ दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस में। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो ऑस्ट्रेलिया के टीम पे आप लोगों को स्टीवन स्मिथ, मानस लभूषणे, जैक फ्रेशर, मैगर खेलते हुए देखेंगे। स्टीवन स्मिथ सेकंड डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं, लास्ट मैच पे 79 रन की पारी खेली है, बाकी वेन्यू पे देखो 16 मैच में 62 का एवरेज है, 50 तीन बार और सेंचुरी 4 बार बना चुके। मैंने बताया ही आप लोगों को क्या कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन तो रन बनाएगा बनाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट फिगर रहता है। मानस लभूषणे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अब लभूषणे के साथ प्रॉब्लम क्या है, बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। हाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो बैटिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेकंड इनिंग्स में चांसेस कम है, इस बात को नोट डाउन करना। तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करने आती है उसके हिसाब से हम लोगों ने मानस लभूषणे को पिक करना है, वहीं से सॉल्यूशन है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे है, कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्लेयर को चूज करने में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना। प्लेयर अच्छा है, 4 मैच में 46 का एवरेज है और 3 बार हाफ सेंचुरी बना चुका है इस वेन्यू पे, प्लेयर शानदार प्लेयर है। जैक फ्रेशर मैगर की मैं बात करूं तो ये इसके बिग बैश के रिकॉर्ड है, पहला ओडीआई मैच होगा, बिग बैश में अच्छा परफॉर्म किया, 26, 42, 54, 14, 41 तभी मौका मिला यहाँ खेलने का, बट इस मैच में आप लोगों ने पिक करने की जरूरत नहीं है। मतलब मानस लभूषणे डाउटफुल है, स्टीवन स्मिथ को हम लोग पिक करके चल रहे हैं, मानस लभूषणे अभी के टाइम पर कंडीशनल पिक रहेंगे। वेस्ट इंडीज के टीम की अगर मैं बात करूं तो एलिक एथनाजी और केसी कार्ती आप लोगों को खेलते हुए देखते हैं। केसी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 मैच में 50 और 88 की पारी आई है, सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, आप सभी लोग ड्रॉप करके चलना, बिना रिस्क के ड्रॉप करके चलना है। एथनाजी की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 32, 66, 4, 45, 5 वही है, इनिशियली प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, एलिक एथनाजी को भी मैं ड्रॉप करके ही चलूंगा। मतलब मैं अपने टीम पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग वाले सेक्शन से स्टीवन स्मिथ मेरे एक फिक्स प्लेयर रहेंगे, मानस लभूषणे अभी के टाइम पर मेरे डाउटफुल प्लेयर ही रहेंगे। अब आ जाओ ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को देखो कुछ चेंजेस दिखेंगे, मैथ्यू शॉट ओपन करते हुए दिखेंगे, कैमरून ग्रीन फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं, मैथ्यू शॉट को लास्ट मैच में क्या हुआ, बैटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग पे अभी तक कुछ इनका भी ओडीआई कुछ खास नहीं गया है, बट कल के मैच के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छा कर करके आ रहे हैं बिग बैश पे। कैमरून ग्रीन ने तो 77 रन की पारी भी खेली और 2 विकेट भी निकाल दिए, कैमरून ग्रीन आप लोगों के लिए कैप्टन के एक अच्छे कंटेंडर रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एरन हार्डी डाउन द लाइन नीचे खेलने आते हैं इसीलिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे और बॉलिंग भी नहीं कराया इन्होंने इस मैच में, बट हाँ बॉलिंग करते हैं तो एक ट्रंप पिक बन सकते हैं, इसलिए इनके आगे टी लिख कर रखिएगा कि ट्रंप पिक, लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर कोई चाहिए तो एरन हार्डी वो पिक बन सकते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर वाले सेक्शन से मैथ्यू शॉट और कैमरून ग्रीन दोनों को हम लोग पिक करके चलेंगे। अब आ जाओ वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, आप लोगों को जस्टिन ग्रीव्स खेलते हुए दिखेंगे, देखो 4 मैच खेल चुके हैं अभी तक, 4 मैच में फ्लॉप है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे रखा तो गया है लेकिन बॉलिंग अभी तक नहीं किया है, ड्रॉप किया जा सकता है। केवम हॉज की अगर मैं बात करूं तो सेम केवम हॉज के साथ भी परफॉर्मेंस है, अब स्पिन को उतना कुछ खास नहीं है और बैटिंग पे इन्होंने कुछ किया नहीं है इसलिए मैं ड्रॉप करूंगा। रोस्टन चेजी यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ये बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर भी बन सकता है ऐसा प्लेयर है, यहां देखो परफॉर्मेंस है फिर लास्ट मैच में भी परफॉर्म किया, इसे पक्का से पिक कर लीजिएगा आप लोग। रोमारियो शेपार्ड की अगर मैं बात करूं ये भी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, इसे भी आप लोग पिक कीजिएगा, यहां देखो 2 विकेट या 48 रन 2 विकेट, 19 रन 1 विकेट, 41 रन 2 विकेट, लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ बट प्लेयर शानदार है। रोस्टन चेजी, रोमारियो शेपार्ड दोनों को पिक करना है आप लोगों ने, क्लियर ऑलराउंडर सेक्शन। अब आ जाओ बॉलिंग वाले सेक्शन पर,
बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के टीम पे चार बॉलर दिखेंगे, सीन अबट दिखेंगे, ज़ेवे बार्टलेट दिखेंगे, लेंस मॉरिस दिखेंगे, एडम जैम्पा दिखेंगे। आंख बंद करके सारे पांचों के पांचों बॉलर्स को आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। देखो सीन अबट 2 विकेट, ज़ेवे बार्टलेट पहले मैच खेला था 4 विकेट, अच्छा खेलते हैं, बिग बैश पे देखा होगा आप लोगों ने। लेंस मॉरिस को विकेट नहीं मिला बट ये भी ले जाएगा। एडम जैम्पा 1 विकेट, मतलब इन चारों को आप लोगों ने पिक करना है, सोचना भी नहीं है कि किसी को मैं ड्रॉप करूं, क्लियर है। चारों को पिक करना है। लेंस मॉरिस का सिलेक्शन परसेंटेज डाउन है बट इसे पिक करना ही है, ड्रॉप नहीं करना है। वेस्ट इंडीज की टीम की मैं बात करूं तो हेडन वॉल्स यहां पर देखो 0-1-0-2-0। मैथ्यू फोर्ड की अगर मैं बात करूं तो 3 विकेट 1 विकेट। गुरदेकेश मोती की बात करूं तो 1-2-2-0-1। और थॉमस की बात करूं तो 0-3-2-0-0। मतलब यहां पर अगर किसी प्लेयर को आप लोगों ने पिक करना है तो यहां पर आप लोगों के पास 2 प्लेयर हैं, इनमें से एक को पिक कर सकते हो, या तो गुदाकेश मोती को पिक करना या हेडन वॉल्स को पिक करना। इन दोनों को भी तभी पिक करना अगर वेस्ट इंडीज की टीम सेकेंड इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये दो आप लोग पिक कर सकते हो, ये पोटेंशियल प्लेयर है। अभी के टाइम पे जो मेरी टीम है वो टीम कुछ ऐसी है, उसे देख लो। मैंने साई होप और जोश इंग्लिश को रखा है, बाकी यहाँ पे स्टीवन स्मिथ है, बाकी मैथ्यू शॉर्ट, रोस्टन चेज है, कैमरून ग्रीन और रोमारियो शेफर्ड है। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे सीन अबर्ट, एडम जैम्पा, ज़ेवियर बार्टलेट और मॉरिस सारे हैं मेरे पास। कैप्टन मैंने कैमरून ग्रीन को रखा है, वाइस कैप्टन मैं मैथ्यू शॉर्ट के बदले रोस्टन चेज को लेकर जाऊंगा, ठीक है। या आप लोग यहाँ पर स्टीवन स्मिथ को भी ट्राई कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आती है। मतलब ये कुछ ऑप्शन है, कैमरून ग्रीन हो गया, रोस्टन चेज हो गया और स्टीवन स्मिथ, ये तीन हो गए। कैमरून ग्रीन को कैप्टन करना है, बाकी स्टीवन स्मिथ या रोस्टन चेजी में से किसी को भी आप लोग बीसी कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी ध्यान से सुन लीजिएगा, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, तो आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।